लाइट्स के बारे में बताने से लेके तो हमारे पास यहाँ तीन लाइट्स पड़ी है, इनकी प्राइसिंग तीनों की स्टार्ट हो। सो ये जब आ जाते हैं अलॉय व्हील्स की तरफ, ओनली पराडो का माल लगा रखा है जिसको ओनली की रिंग्स की चेन्स चाहिए, ये सारे रॉयल इनफील्ड के ऐसे जैकेट्स वाले आपकी बाइक के हिसाब से। आज का वीडियो रॉयल इनफील्ड की सारी एसेसरीज को लेके सो गाइज व्हाट्स अप एवरीबॉडी, और शमी सीजन आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो गाइज आज के वीडियो में आपको क्या दिखाने वाले हैं, आज के वीडियो में आपको सारा रॉयल इनफील्ड का सामान दिखाऊंगा। रॉयल इनफील्ड का जितना भी सामान अवेलेबल है यहाँ पे वो सारा आपको दिखाऊंगा। बट अगर आप सोच रहे हो कि मैं इतना दूर वीडियो बनाने क्यों आया हूँ छतरपुर तक, क्यों करोलबाग में सारी वीडियोज़ बनाता हूँ बट करोलबाग से अलग आ जाया हूँ यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए, बिकॉज प्राइजेज आर वेरी नेगोशिएबल, प्राइजेस काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे, इसीलिए मैं यहाँ पे वीडियो बनाने आया हूँ। बाकी आपको रॉयल इनफील्ड का सारा सामान यहाँ मिल जाएगा एकदम अच्छी क्वालिटी में, बेस्ट रेंज में, तभी मैं आज आपको यहाँ पे वीडियो बना के दिखाऊंगा। बाकी अगर आपके पास रॉयल इनफील्ड है और उसको अगर आप थोड़ा सा ही मॉडिफाई कराना चाहते हो तो यहाँ पे ज़रूर विजिट करना। तो पहले मिलते हैं शॉप के ओनर से, फिर आपको प्रोडक्ट्स दिखाते हैं डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ के सारे। तो जल्दी चलते हैं वीडियो की तरफ। सिनेमैटिक शॉट्स बहुत पसंद आए होंगे जो मैंने आपको पूरी शॉप के दिखाए हैं। तो आज हमारे साथ पीछे खड़े हैं शॉप के ओनर अहम भाई। तो हेलो भाई, क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। और मेरा नाम है शमीम अहमद, मैं आपको अपना इंट्रो दे दूँ। मेरा साउथ दिल्ली छतरपुर में रॉयल मोटर्स के नाम से रॉयल इनफील्ड का वर्कशॉप है, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ही छत के नीचे रॉयल इनफील्ड से जुड़े सारे काम कर सकें। जैसे कि मेरे पास रॉयल इनफील्ड का सारा जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स मिल जाएगा, एक्सेसरीज मिल जाएंगी, अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, लाइट्स मिल जाएंगी, फॉग लाइट्स मिल जाएंगी। बस मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि एक बार रॉयल इनफील्ड से जुड़ा सारा काम एक ही छत के नीचे हो जाए, जैसे कि मैकेनिकल है, रिपेयरिंग है, सर्विसिंग है, एवरीथिंग इन वन रूफ। मेरे पास ये लाइट्स वगैरह मिल जाएंगी, बाकी अर्जुन आपको आगे वीडियो में सब कुछ बता देंगे हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। और गाइस अगर आप सोच रहे हो कि सारी वीडियोस करोलबाग में बनाने का, इतनी दूर शॉप में आपको ये शॉप क्यों दिखाने आया हूँ, तो गाइस प्राइजेस मैटर और क्वालिटी मैटर्स। क्वालिटी और प्राइस की जो अगर हम बात करें, इसीलिए आपको मैं ये शॉप दिखाऊंगा, क्योंकि आपने सिनेमैटिक्स में भी देखे होंगे। बाकी एक बार जब हम आपको डिटेल में बताएंगे चीज़ें तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या डिफरेंस आ रहा है। बाकी यार भैया के साथ वीडियो शुरू करते हैं। सबसे स्टार्टिंग में फॉग लैंप्स पड़े हैं, लाइट्स पड़े हैं रॉयल एनफील्ड के लिए, जिनको थार लाइट्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? जिनको थार लाइट्स कहा जाता है। थार लाइट्स कहा जाता है। तो गाइस इनसे स्टार्ट करते हैं प्राइसिंग के बारे में। लेट्स गाइस स्टार्ट करते हैं लाइट्स के बारे में बताने से लेके। तो हमारे पास यहाँ तीन लाइट्स पड़ी है, तो भैया से पूछते हैं कि ये तीनों लाइट्स कितने वॉट की है, क्या प्राइसिंग है और क्या चीज़ है, तो भैया एक बार बता दीजिए ज़रा। भैया ये इनको बोला जाता है थार लाइट, जो हमारी रॉयल इनफील्ड में लगने के बाद हमारी रॉयल इनफील्ड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। इनकी प्राइसिंग तीनों की स्टार्ट होती है मेरे पास 900 से, जिसमें 900 से तीनों में से कोई सा भी। इनको इनमें 35 वॉट्स की ये लाइट है, जिसमें कि दो कलर के रिंग जलते हैं, वाइट और अंबर। वाइट आप चाहें तो वाइट भी जला सकते हैं, अंबर चाहें तो अंबर भी जला सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं थार लाइट्स में थोड़ा सा हैवी लाइट्स, जिनको बोलते हैं 75 वॉट्स। ये हमारे पास हाफ रिंग में 75 वॉट्स मिल जाएंगी, फुल रिंग भी मिल जाएंगी, हाफ रिंग भी मिल जाएंगी। ये हमारे पास जैसे इनको डिस्क्राइब किया जाता है 15 LED, 13 LED, 18 LED। इसकी जो प्राइसिंग होगी हमारे पास 1650 रुपये से स्टार्ट होगी, 1650। फिर हमारे पास फॉग लाइट्स मिल जाएंगी, जैसे कि सर्दियां आने वाली हैं उसके हिसाब से फॉग लैंप्स मिल जाएंगे। कई तरह के फॉग लैंप्स हैं, अब बहुत सारा डिज़ाइन है इसलिए हम सब कुछ दिखा नहीं सकते। हमने आपको मेन मेन अभी हमारे पास मेन मेन जो है वो हमने निकाल के लगा रखे हैं।
और ये इनकी क्या प्राइस रेंजिंग स्टार्ट होगी? इनकी प्राइस रेंज होगी हमारे पास 450 का पेयर से स्टार्ट होकर 1500 तक का पेयर है हमारे पास। 1500 तक का। हाँ जी। फिर आ जाते हैं थोड़ा मिरर्स की तरफ। ये हैंडल बार मिरर्स है जो हमारी रॉयल बुल में लग के बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है हमारी रॉयल बुल। उसको लगाने के बाद बहुत अच्छी लुक आ जाती है हमारी रॉयल बुल में। और इसकी क्या प्राइसिंग होगी? इसका प्राइस है 380 का पेयर। 380 का पेयर। हाँ जी। और अगर थोड़ा चेन लुब्रिकेंट्स के बारे में? ये हमारे पास रॉयल इनफील्ड का जेन्युइन चेन लुब्रिकेंट मिल जाएगा प्लस चेन क्लीनर। चैन क्लीनर अलग से आएगा और चैन ल्यूब अलग से आएगा। सो गाइस अब आ जाते हैं अलॉय व्हील्स की तरफ, जिसके बारे में आप काफ़ी देर से वेट कर रहे हो कि अब हम आपको इसमें डिफरेंट क्या दिखाएंगे। तो भैया स्टार्टिंग करते हैं नीचे इस वाली लाइन के अंदर की, इस वाले लाइन के अंदर कितने अलॉय व्हील्स की क्या प्राइस रेंज है? ये सभी मैंने अलॉय व्हील्स ओनली रॉयल इनफील्ड के लगा रखे हैं और ओनली एंड ओनली पराडो का माल लगा रखा है, जिसको ओनली पराडो का, जिसको पराडो एक ऐसा वर्ड है रॉयल इनफील्ड के लिए कि भाई सबसे पहले मुझे जहाँ तक नॉलेज है कि शायद पराडो ही अलॉय व्हील्स रॉयल इनफील्ड के लिए बना रहा है और रॉयल इनफील्ड के में इसके पराडो के व्हील्स ही लगते हैं। तो जैसे कि अभी आप देख लेंगे, इसको बोलते हैं 3S ओपन डिज़ाइन, 3S ओपन, 3S ओपन, और इसको बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल मर्सिडीज ब्लैक में, मर्सिडीज डिज़ाइन बोलते हैं। ये हमारा सदाबहार है, जब से अलॉय व्हील्स बनते आ रहे हैं तब से ये चल रहा है। इसको बोलते हैं सिंगल एस। ये मर्सिडीज में डबल डिस्क के लिए है, ये भी सेम। हाँ जी। और फिर ये नीचे भी, ये नीचे मिल जाएगा हमारी बुल्स के लिए। तो एक बार इनका बता दीजिए प्राइस रेंज क्या होगा जो इस वॉल के ऊपर है? ये इनका सबका प्राइस पराडो का 5700 रुपए का पेयर है, जिसमें कि 300 रुपए फिटिंग चार्ज है। आपको 6000 रुपए में हम पराडो के अलॉय व्हील्स फिट करके देंगे। तो गाइस अब बात करते हैं इन अलॉय व्हील्स के बारे में, तो ये इस साइड से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं रॉयल इनफील्ड डबल डिस्क के लिए, जो अभी हाल ही में लॉन्च हुई है। ये डबल डिस्क के लिए सारा सेक्शन मैंने इधर बनाया हुआ है। इसमें काफ़ी और डिज़ाइन भी मिल जाएंगे, थोड़ा सा मेरे पास स्पेस कम है इसलिए दिखाने के लिए जगह कम है, इसमें और भी ज़्यादा डिज़ाइन मिल जाएंगे। तो अगर इनकी प्राइस रेंज की बात करें, अगर ये भी उतने के ही रेंज में आएंगे? अच्छा, सेम रेंज में ये भी। हाँ, इसमें मैंने दो क्वालिटी रखा हुआ है, रॉयल इराडो एंड पराडो, पराडो दो क्वालिटी है इसमें। और अगर ऊपर ये जो 4-5 हज़ार अलॉय व्हील्स और हैं, ये हमारी सिंगल डिस्क क्लासिक के लिए ऊपर वाला, सारा ऊपर वाला। हाँ जी। और इसका भी सेम प्राइस रेंज? ये भी सेम प्राइस आएगा। मतलब कहने का ये है कि 5700 से लेकर 6200 के बीच में आपकी रॉयल इनफील्ड के लिए पेयर मिल जाएगा। जिसकी गाइस अलॉय व्हील बहुत सारे हैं, जो भी आपकी प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ पे अलॉय व्हील मिल जाएगा। बाकी सबकी प्राइस रेंज हम आपने आपको बता दिए कि इतने से इतने के बीच में आएगी। आपको जो सा अलॉय व्हील चाहिए आके भैया को एक बार बताओ, वो आपको अवेलेबल करा देंगे। बाकी वहाँ वो चार्ट लगा हुआ है, उसके अंदर सारे अलॉय व्हील्स हैं। बाकी अब बढ़ते हैं लेग गार्ड्स की तरफ और टायर्स की तरफ। सो गाइस अब बात करते हैं लेफ्ट गार्ड्स की तरफ में, तो भैया एक बार लेग गार्ड्स के बारे में बता दो। लेग गार्ड्स ये हमारे पास मिल जाएंगे, ये लेग गार्ड इसको बोलते हैं एयरफ्लाई, ये ब्लैक में होगा, लोहे का होगा, जिसको MS बोलते हैं। ये हमारे पास लेग गार्ड मिल जाएगा, एयरफ्लाई बोलते हैं नीचे जो पड़े हुए, नीचे जो लगा हुआ, ये एयरफ्लाई है, स्टील में है, प्योर स्टील है। हम इस पर आपको चुंबक लगा के दिखा देंगे। ये इसको बोलते हैं एट बैंड। हाँ जी। और हमारे पास लेग गार्ड मिल जाएंगे, जैसे कि ये रखे हुए हैं सिंगल रॉड ब्लैक में है, सिंगल रॉड ब्लैक में है, ये सिंगल रॉड क्रोम में है, ये सिंगल रॉड स्टील में है। और भी अगर ये किनकी बात करें, ये हमारे पास हैंडल्स हैं, इनको जैसे हम अपनी रॉयल बुल को और लंबी चौड़ी करना चाहते हैं। अच्छा। उसके लिए ये हमारे पास बड़े हैंडल्स मिल जाएंगे, जिनको बाहुबली टाइप हैंडल्स बोला जाता है। और भी एक बार प्राइस रेंज की बात कर लेंगे, प्राइस रेंज हैंडल्स की 550 से 650 रुपए के बीच में है, और लेग गार्ड्स की जो हमारे पास स्टार्टिंग रेंज है 450 से लेकर 1550 रुपए तक है। ओके। सो गाइस नॉट ओनली एवरीथिंग बट टायर्स भी आपको अवेलेबल मिलेंगे यहाँ पे शॉप पे, तो एक बार टायर्स के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे पास टायर जो मिलेंगे C8 के भी मिलेंगे, रालको के भी मिलेंगे, MRF के भी मिलेंगे, जो आप टायर चाहेंगे वो मिल जाएंगे, ट्यूब वाले भी मिल जाएंगे, ट्यूबलेस भी मिल जाएंगे। और भी अगर प्राइस रेंज की बात करें, प्राइस रेंज अगर हम बात करें तो आगे वाला जो टायर होगा C8 का, वो आपको 1600 रुपए से स्टार्ट मिल जाएगा, और पीछे वाला जो होगा वो आपको 2200 रुपए से स्टार्ट हो जाएगा MRF का। तो बात करते हैं एग्जॉस्ट की तरफ। सो गाइस बाकी सब के बारे में बात करने के बाद अब बढ़ते हैं एग्जॉस्ट की तरफ, तो एग्जॉस्ट के बारे में जानते हैं भैया से। तो एक बार एग्जॉस्ट में स्टार्टिंग वहाँ से करते हुए एक बार बता दीजिए कि क्या क्या कौन से एग्जॉस्ट है और क्या प्राइस रेंज आएगा। ये हमारे पास एग्जॉस्ट है, ज़्यादातर हमारे पास सिलमेन कंपनी के एग्जॉस्ट होते हैं, जैसे कि ये हमारे पास सिलमेन कंपनी का एग्जॉस्ट है, इसको देसी लैंग्वेज में बोला जाता है बड़ा पंजाब। अच्छा। ये हमारे पास है छोटा पंजाब ब्लैक में, जो आजकल हमारी गन मेटल आई है उसके लिए।
ये हमारा एंगुलर शेप में है क्लासिक के लिए, और ये हमारे सदाबहार जो काफ़ी दिनों से चलते आ रहे हैं शार्क टाइप, जिनकी जिनको लगाने से आपकी बुल की आवाज़ बेस पकड़ती है, जिससे बेस बहुत हैवी निकलता है। यही छोटा पंजाब क्रोम में मिल जाएगा, ये डॉल्फिन है, ये गोल्ड स्टार है, और ये इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस के इंदौरी, जिसको बोलते हैं के इंदौरी, जो काफ़ी टाइम से रॉयल बुलेट के लिए चलता आ रहा है। प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो मेरे पास सलेंसर 750 से लेकर 1650 रुपये तक की रेंज में जाएगा। अच्छा, मतलब इनमें से कोई सा भी लो 1650 तक की रेंज में जाएगा। हाई एंड 1650 तक की में जाएगा, जिसमें कि सिरामिक ग्लास वूल अंदर होगा। और जो फिटिंग के अलग है, फिटिंग चार्ज सब चीज का अलग है। ओके। और भी जैसे कि आजकल दिल्ली में बहुत चलान कट रहे हैं। हाँ जी, मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि आजकल दिल्ली में चलान की बहुत ज्यादा खबरें आ रही हैं, तो मैं आपको पहले ही बोल देना चाहूंगा कि हमारी चलान की कोई गारंटी नहीं है कि चलान है कि नहीं है। जहाँ तक मैं सुन रहा हूँ चलान चल रहा है, तो मैं लगा तो दूंगा, लेकिन मैं ये गारंटी नहीं लूंगा आपका चलान होता है कि नहीं होता है। बाकी गाइस साइलेंसर आपको सारे अवेलेबल मिलेंगे, आपको कौन सा चाहिए कौन सा नहीं। बाकी अभी यहाँ पर थोड़ी स्पेस की कमी थी, इसलिए हमने 8 साइलेंसर रखे हैं। बाकी मेरे पास स्टॉक में बहुत सारा सामान है, स्टॉक में बहुत कुछ है। एक बार आप स्टोर विजिट कीजिए, आपको बहुत कुछ नया देखने के लिए मिलेगा। आपकी बाइक को कंफर्टेबल बनाने के लिए अब हम दिखाते हैं आपको सीट्स। सीट्स भी काफ़ी सारी अवेलेबल है, तो भैया से जानते हैं सीट्स के बारे में, वहाँ से शुरुआत करते हैं। ये हमारी क्लासिक के लिए सीट्स हैं, बहुत ही सॉफ्ट सीट्स हैं, और जो सीट्स की मेरे पास रेंज स्टार्ट होगी वो 650 रुपये से 1500 रुपये तक की होगी, जिसमें कि कम से कम 7-8 तरीके की सीट्स आपको मिलेगी। 7-8 तरीके की। बट गाइस थोड़ी सी स्पेस की कमी की वजह से यहाँ पे हमने रखी हुई है काफ़ी सारी सीट्स, बट अंदर स्टॉक हद से ज़्यादा है, बहुत सारा स्टॉक है। आप एक बार विजिट करें, आपको सब देखने को मिलेगा। बाकी ऊपर भी 3 सीटें हैं, नीचे भी हैं, छोटी मोटी एसेसरीज है काफ़ी सारी। ये छोटी मोटी लाइट्स हो गई, ये सब वाइब्रेशन रॉड हो गई, वाइब्रेशन, ये भैया क्या होगा, डिसलॉक हो गया, और ये सब ये एवरेज नापने के लिए है। एवरेज नापने के लिए आपको थोड़े बहुत स्टिकर्स मिल जाएंगे आपको बाइक को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। ये थोड़ी और लाइट्स मिल जाएंगी, ये अगर आपको की रिंग्स की चेन्स चाहिए, ये सारे रॉयल इनफील्ड के ऐसे जैकेट्स वाले आपकी बाइक के हिसाब से। बाकी ये सब क्या होगा भैया, इंडिकेटर्स हैं और ये भी थोड़े और स्टिकर्स हैं। ऊपर सारे आपको लिक्विड्स मिल जाएंगे आपकी बाइक के लिए। बाकी हर चीज़ अवेलेबल है रॉयल एनफील्ड से रिलेटेड। एक बार पूरी वीडियो के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि भैया का स्टोर कैसे लगता है, कि आपकी आपको आसानी हो जानने में। तो गाइस ये स्टार्टिंग होती है स्टोर की, ये एंट्री है भैया के स्टोर की। तो एक बार अगर हम अंदर चलें तो ये देख सकते हो, ये रहा काउंटर, ये रही बाकी सारी एसेसरीज है जो यहाँ पे शेल्फ्स बने हुए हैं, इसके अंदर एसेसरीज रखी हुई हैं। इस साइड अगर हम मुड़ते हैं तो सारे अलॉय व्हील्स दिखते हैं हमें, थोड़ा सा नीचे जाके तो वहाँ पे लेग गार्ड्स होते हैं, वहाँ पे टायर्स होते हैं, वो मेरा बैग पड़ा है अजीब सा, उसके अंदर ट्राइपॉड वाइपॉड होगा। बाकी यहाँ पे भी लेग गार्ड्स हैं, यहाँ पे अलॉय व्हील्स हैं, ऊपर भी सारे अलॉय व्हील्स रखे हैं। और अगर हम इस साइड देखते हैं तो उस साइड अलॉय व्हील्स लगा रखे हैं भैया ने, मतलब इंटरफेस काफ़ी अच्छा बना रखा है। यहाँ पे ऊपर सारी सीट्स पड़ी हैं, यहाँ एग्जॉस्ट पड़े हैं, यहाँ नीचे भी सब कुछ अलॉय व्हील्स पड़ी है, जिनकी प्राइसेस के बारे में हमने सबके बारे में बात कर ली है। यहाँ के काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हैं, मेरे को सबके बारे में नहीं पता है, बट मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। यहाँ पे सारी वो लाइट्स हैं, फॉग लैम्प्स लाइट्स, उस साइड जो छोटी मोटी एसेसरीज थी। बाकी ये मेरे को काफ़ी सही लगा कि यहाँ पे आपको की चेंज वी चेंज सब मिल जाएंगे, ये जो लोगों को पसंद होते हैं हर चीज़ मिल जाएगी। बाकी ये सब मैं दिखाने के बाद एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ अंदर का भी। बाकी यहाँ पे सारा स्टॉक डिस्प्ले कर रखा है, बट जो रिफंड और जो बाकी स्टॉक है वो सारा अंदर पड़ा है। स्टॉक काफ़ी सारा है, सब कुछ है, बट अंदर पड़ा है। अगर आपको चाहिए तो आपको सब कुछ मिलेगा। बाकी डिस्प्ले के अंदर इतनी सारी चीज़ें जो हमने आपको सारी कवर करके दिखा दी हैं। अब सो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो रॉयल एनफील्ड की सारी एसेसरीज़ को लेके। तो बाकी गाइस अब टाइम आ गया वीडियो को एंड करने का, तो एक बार भैया से जान लेते हैं भैया की शॉप का एड्रेस, भैया का नंबर, यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन, यहाँ तक आप कैसे पहुँचे। तो भैया एक बार अपनी शॉप का एड्रेस और नंबर वंबर ज़रा बता दीजिए। सबसे पहली बात, मेरा नाम है शमीम अहमद और हमारा स्टोर है साउथ दिल्ली छतरपुर में। ओके। जिसका पिन कोड है 110074, और जो कि हमारा स्टोर जो है छतरपुर मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पर है, हल्का सा दूर है बस, सिर्फ आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे पहुंचने में। और अगर आप हमारा स्टोर के पास वैसे पहुंचना चाहते हैं तो हम गूगल पे भी हैं, आप द रॉयल ऑटोमोबाइल्स लिखेंगे आपको मिल जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा गूगल में आपका। बाकी गाइस यही थी आज की वीडियो, ये सारी एसेसरीज थी। बाकी भैया अगर आपको और लास्ट में एंड करने से पहले बस मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि एक बार आप स्टोर पर विजिट ज़रूर करें, आपको प्राइस में भी क्वालिटी में भी सब कुछ एक नंबर करके दूंगा, हर चीज़ की गारंटी होगी, हर चीज़ की वारंटी होगी, जितना बेस्ट हो सकेगा मैं वो करके दूंगा। एक बार स्टोर ज़रूर विजिट करें, और मेरे से कुछ पूछना है तो मैं अपना नंबर दे देता हूँ, आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0971874982।
बाकी गाइस मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल ही दूंगा लिंक. तो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू द लाइक बटन एंड डू शेयर द वीडियो. टिल देन स्टे ट्यून्ड. दिस इज मिस्टरीबॉय व्लॉग्स साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.